भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह, इन दोनों की प्रेम कहानी बॉलीवुड के अमिताभ और रेखा वाली प्रेम कहानी की याद दिलाती है। भाई अलग तो हो गए हैं, लेकिन फसाने आज भी इनके नाम के गाए ही जाते हैं, इनके प्यार के किस्से कहे ही जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अब क्या कुछ इस कहानी में नया पका। नया कुछ नहीं पका, लेकिन भाई जिस तरह से अक्षरा सिंह है ना, वो अपने एल्बम्स में दर्द भरे गाने गाती हैं, उसे देखकर यही लगता है कि वो पवन सिंह की याद में गा रही हैं। जी हाँ, अक्षरा सिंह को जानने वाले या उनकी फैन फॉलोइंग भी जब उन्हें रोता हुआ देखती है, कई बार वो पवन सिंह को ही कोसती है। वैसे अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और हर सोशल मीडिया पे किसी भी भोजपुरी स्टार से ज्यादा ही है। आज हम आपको अक्षरा सिंह और पवन सिंह की वो दास्तान बताएंगे जो कि लोगों के सामने है भी और नहीं भी, यानी लोगों को पता है कि इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, ये किसी को शायद नहीं पता है। आपको बता दें कि शादी जब पवन सिंह और ज्योति सिंह की हो गई, पवन सिंह फिर से बैक टू द शूटिंग आ गए, तो ये दोनों पहली बार कलकत्ता के स्टेज शो के लिए मिले। वहां तक तो इनके रिश्ते में सब कुछ ठीक था, अक्षरा सिंह को कोई भी शिकायत पवन सिंह से नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से ये दोनों कुछ दिनों के गैप के बाद मिले। कहा जाता है कि माँ तुझे सलाम के सेट पर, जिसकी शूटिंग गुजरात के सिलवासा में हो रही थी, इस सेट पर ये दोनों फिर मिले और इन दोनों का कमरा एक ही था, ये दोनों एक ही होटल में रुके थे, शूटिंग शेड्यूल से लेकर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, यहाँ तक कि काफी हद तक शूटिंग कंप्लीट भी हो चुकी थी, बस बाकी कुछ ही शॉट्स रह गए थे। कहा जाता है कि एक दिन शूटिंग का पैकअप करके पवन और अक्षरा जल्दी होटल आ गए। होटल में आने के बाद पवन सिंह ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और अक्षरा सिंह उनका साथ दे रही थी, लेकिन इस बार जब पवन सिंह अक्षरा सिंह को सिलवासा में मिले तो कुछ बदले बदले थे। बदला उनका मिजाज उनके पत्नी के प्रति भी हो चुका था। भाई अब वो शादीशुदा थे तो उनकी जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन अक्षरा सिंह को ये लगा कि पवन सिंह शादी सिर्फ दिखावे मात्र के लिए कर रहे हैं, शादी के बाद भी वो उनसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी वो शादी से पहले किया करते थे। ये अक्षरा सिंह का बचपना कहें या फिर ये कहें कि वो यहाँ बेवकूफ साबित हुई, या यूं कह ले कि दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने अपने प्यार की खुशी के खातिर वो किया जो अमूमन हर भारतीय लड़की कर देती है। बदले में ये उम्मीद रखती है कि दूसरी लड़की से शादी करने के बाद उसका प्रेमी उससे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो शादी से पहले करता है, वो उसके त्याग और बलिदान को अपने सिर आंखों पर बिठा लेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। वैसे यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षरा सिंह कुछ ज्यादा ही फिल्मी दुनिया में थी जब वो पवन सिंह के साथ थी, यथार्थ में तो वो अब उतरी है जब उनका पवन सिंह का साथ छूटा है, जब उन्हें ये पता चला है कि जिंदगी सिर्फ ख्वाबों के बल पर नहीं चलती है। खैर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की बातें होने लगी और बातें बहस में और बहस लड़ाई में बदल चुकी थी। जी हाँ, बात शुरू हुई ज्योति सिंह से ही और बात खत्म भी हुई ज्योति सिंह पर ही। कहा जाता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के होटल के कमरे से कई दिनों से लड़ाइयों की और बहस की खबरें आती थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई और बहस हुई वो जग जाहिर हो गई। अक्षरा सिंह जरा भी खुश नहीं थी जिस तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह को तवज्जो दे रहे थे। उन्हें ये जरा भी नहीं अच्छा लग रहा था कि पवन सिंह उनके अलावा किसी और औरत को इतनी तवज्जो दे, लेकिन यहाँ बात पत्नी की थी तो भाई वो तो देना ही था।
पवन सिंह अक्षरा सिंह को समझाए जा रहे थे, लेकिन अक्षरा सिंह है कि उनका तेवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्सा उफान पे था और कई ऐसी बातें थी जो वो पवन सिंह को कहना चाहती थी कि तुम्हारे चलते मैंने कई त्याग किए हैं, तुम्हारे कारण मैंने जग की रुसवाइयां भी सही हैं। सारी बातें हो रही थी और इन बातों में पवन सिंह ने भी अक्षरा सिंह को खूब सुनाया, जिसे सुनने के बाद कोई भी लड़की टूट जाएगी। लेकिन यहाँ बातें और बदतर होती गई। कहा यह जाता है कि पवन सिंह का गुस्सा उफान पे था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पी रखी थी और आगे अक्षरा सिंह थी। उन्होंने अक्षरा सिंह की पिटाई करना शुरू की और होटल स्टाफ की माने तो अक्षरा सिंह का सर वो दीवार में दे मारे। कहा जाता है कि जब लोग बीच बचाव में आए तो पवन सिंह तब भी नहीं माने। फिर इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग कमरों में किया गया और अक्षरा सिंह ने अपना सामान पैक किया और वो रातों रात होटल छोड़कर चली गई। वैसे ये खबर कभी मीडिया में नहीं आती, न कभी पवन सिंह कहते और न अक्षरा सिंह, लेकिन ये खबर मीडिया में इसलिए आ गई, संजोगवश वहां पर एक पत्रकार के सूत्र मौजूद थे। आपको तो पता ही है कि पत्रकारों को हर सूचना सूत्रों से ही मिलती है और ये खबर जैसे ही उन्हें लगी उन्होंने तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट कर डाला इसे लेकर, और ये खबर जंगल में आग की तरह मीडिया में फैल गई। इन सारे प्रकरण के बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद अक्षरा सिंह फिर लाइव आई और लाइव आकर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई कि किस तरह उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, किस तरह से उन्होंने पवन सिंह के लिए और बदले में पवन सिंह ने उन्हें बेवफाई दी, बहुत तोहमतें लगाई पवन सिंह पर, जैसे वो शांत अपनी पत्नी नीलम की मौत पर थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।